मेरे माता और बहनों, आप लोग के सामने जो हम पेश हुए हैं, सबसे मशहूर भारत में गंगा कैसी के माध्यम से पेश हुए हैं। दोस्तों, लिखो जिला प्रताप करे दास का महान और रहा गरीब वतन के यकी ललू राम। ललऊ राम किसान लाडली स्वभावती सयाली और अंग अंग से फूट रही थी उसकी अधिक जवान। हुए चार दिन मिला न दोस्त बने जीते पी कर पार। भुखमरी करारी जी तक ललबू की मारी जी हृदय ललऊ गाना गा के हाँ दोस्तों, आप लोग के सामने मैं संगीत पेश करता हूँ। छिल्लो रोटी उर्फ डाकू चंदन सिंह। अरे कमाल ठाकुर जी, नमस्कार। नमस्कार कमाल सिंह जी। देखिए, हम और तुम दोनों को महाराज के यहाँ बहुत बहुत दिन हो गए। बहुत दिन हो गया काम करते हुए, लेकिन उन्होंने हमारा तुम्हारा कुछ भी नहीं है। इसलिए महाराज को किसी तरीके से जहर देकर और मार दिया जाए। लेकिन ऐसा है कि इस समय कोई मनोरंजन होना चाहिए। अगर नाचने वाली नहीं आती है तो मौज नहीं आएगा। जाइए, कोई नाचने वाली लाइए। ठाकुर साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, जल्दी जाइए, कोई नाचने वाली लाइए। जाए ठाकुर साहब, जा रहा, जल्दी जाओ। पोस्टाप नाचने वाले आए ठाकुर साहब। Thank you.
के गजल गाएंगे, लहरा को पिएंगे। ठाकुर जी चलिए, बहुत देर हो रही है, चलिए 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 चलिए। है सिपाहियों, राजन की जय हो, जय हो, जय हो, राजन की जय हो। देखिए, कहिए, अभी तक दरबार में विजय और कमाल नहीं आए, जाओ बहुत जल्द लाया जाए। महाराज की जय हो, जय हो, जय हो, महाराज की जय हो, जय हो। महाराज सुनिए, हाँ बोलिए,
अरे महाराज क्या आपको हो गया है। बतलाइए आज आप इतना गमगीन क्यों हैं? मैं बतला रहा हूँ। बतलाइए, सुनिए मेरे बात को, कहिए। अब मैं जिंदा ना रहूं, खड़क सिंह बलदी। सुनते हो? हाँ हाँ, कहिए। मेरे बात को सुनना। हाँ मैं सुन रहा हूँ। अब मैं जिंदा ना रहूं, विजय सिंह बलदी। और धड़क रहा है दिल मेरा, उठे कलेजे। और सुनिए, कहिए महाराज। मैं सुन रहा हूँ। मेरा बेटा लक्ष्मण सिर्फ है अकेला, और कभी ना कभी दिल में शंका को राजन, मेरे ना रहने के बाद विजय सिंह, हाँ हाँ, मेरा एक औलाद है नटवर। नटवर भैया, उसको देखभाल करना होगा तुम्हें। जरूर मैं उनका देखभाल करूंगा। और जैसे मंत्री हो वैसे मंत्री का फर्ज निभाना होगा। ठीक है महाराज, जब वो बड़ा हो जाएगा तो उसे रात दे देना। ठीक है, मैं जरूर उन्हें रात दे दूंगा। करिंदो। हाँ कहिए राजन। नमस्कार बेटा नटवर, क्या स्कूल आप नहीं गए थे? अच्छा सुनिए, बेटा नटवर मेरे मरने के बाद थोड़ा काशी उठा ले। पिताजी आप क्यों घबरा रहे हैं, ठीक हो जाओगे। आतुर रहो पिताजी। जब मैं इस दुनिया में जिंदा ला रहूंगा तो पूरी राज संभाल लेना, बेटा नटवर मेरा कर दे। We'll be right back.
न रहने पर ये विजय सिंह जो है ना, ठीक है, आपकी देखभाल करेंगे, ठीक है, और जब तुम सयाना हो जाओगे तो राज के मालिक हो जाओगे। हाँ पिताजी। और अच्छी तरीके से रहना मेरे बेटे। पिताजी आप क्यों घबरा रहे हैं? ठीक हो जाओगे, दवा आ रहा है। महाराज आप आराम कीजिए, मैं दवा आपके लिए मंगवा रहा हूँ, आपका तबीयत जरूर ठीक हो जाएगा। अरे भैया नटवर इधर आइए, देखिए तुम्हारे घर पे कोई मेहमान आया है तो इसलिए आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि उनका सेवा तुम ही कर सकते हो। ठीक है जा रहा हूँ। जाइए जल्दी जाइए। पिताजी क्या है? घर के ऊपर कोई मेहमान आ चुका है और मैं जाऊँ उनको सेवा खातिरदारी करूँ, नहीं तो नाराज होकर चले जाएंगे मेरे घर पे। हाँ पिताजी। ठीक है बेटा नटवर जाओ, लेकिन इस बात को आप दिमाग में रखना कि मेरे ना रहने पर ये राज देखना होगा। ठीक है पिताजी, मैं जा रहा हूँ, नमस्कार। अरे कमाल। हाँ ठाकुर जी। देखो महाराज के लिए दवा लाना होगा, और जल्दी जाओ वही दवा, और वही दवा लाना जो पहले बताया था। और महाराज समझ गया मैंने, ये मालूम ना हो सके, जल्दी जाओ। जो आज्ञा। ठाकुर जी दवा आ गया। दवा आ गया जी। ठीक है दवा पिलाइए महाराज को। पिलाऊं? हाँ पिलाइए। ठीक। अरे दवा लाया हूँ साहेबू, अरे दवा लाया हूँ साहेबू, अरे तुम्हारे लिए लाया हूँ साहेबू। दिल में कुछ ना फिकर कीजिए, एक माल जी दवा पिलाइए महाराज को। जो गया। हाँ जल्दी पिलाइए। हो गया हो गया। ठीक है कमाल, अब हम दोनों यहाँ से निकल चलते हैं। चलिए। हाँ चलिए चलिए। जय करिंदो। कहिए राजन। देखिए ये दवा पीने से हमारी तबीयत और बढ़ गई। सुनिए। कहिए। और इस दवाए में जहर को और मिलाया गया, और पिलाया गया थी घोर करके मुझको। ऐ साफियो कहिए राजन, मेरा तबीयत बहुत बढ़ गया, मैं अब बचने वाला नहीं हूँ, लेकिन देखभाल मेरे नटवर बेटा का तुम भी रखना, मैं अब नहीं बचूंगा। आ आ आ आ आ। कमाल जी महाराज तो खत्म हो गए, क्या होना चाहिए? लेकिन महाराज की लाश गंगा घाट पे पहुंचाना होगा, इसलिए महाराज को जल्दी गंगा घाट पे पहुंचाइए, नहीं बहुत देर हो जाएगा। ठीक चलिए। ले चलिए। ठाकुर जी फेंक आया मैंने। क्या महाराज की लाश गंगा घाट पहुंचा दी? जी। ठीक है। अरे कमाल, जैसे तुम्हारा नाम कमाल है
वो ऐसे ही कमाल दिखाते जाना। और जाओ इस घड़ी भैया नटोर को यहाँ पर बुला लाइए ताकि ये राजपाट सब लिखा लूं और उनको किसी पहाड़ के चोटी से फेंक दिया जाए कलिंदा वो मर जाए। जाओ भैया नटोर को यहाँ पर लाइए दरबार में। भैया नटवर क्या देखिए तुम अभी बहुत बच्चे हो बहुत छोटे हो। अच्छा तो इसलिए ये राज ये हवेली मेरे नाम से कर दीजिए मैं इसका देखभाल रखूंगा। ए ठाकुर साहब कभी नहीं हो सकता है। कभी नहीं हो सकता है कभी नहीं हो सकता है मैं आपको समझा रहा हूँ आप लिख दीजिए। मैं नहीं लिख सकता हूँ। देखिए भैया नटवर अगर नहीं लिखते हो तो तुम्हारे ऊपर बहुत मार पड़ेगा। एक किताब नहीं हो सकता है मैं नहीं लिखूंगा। अरे कमाल जी इसको कोने लगाइए। नहीं नहीं ठाकुर हाँ ऐसा है मारने से काम नहीं होगा। अच्छा मैं लिखाता हूँ। आप लिखा लोगे जी ठीक है आप लिखाइए। भैया नटवर आप लिख दीजिए लिखने में क्या बात है। क्या तुम्हारे कहने में और उनके कहने में फर्क है। बहुत अंतर है लिखिए। मुझे मजबूर करते हो तो लाओ मैं लिखे देता हूँ। हाँ लिखिए भैया नटवर लिखने में क्या बात है लिखिए लीजिए लिख दीजिए। क्या लिखना है। कि हमारा हवेली और धनमता ठाकुर विजय सिंह के नाम पर और इसके हमारा कोई अख्तियार नहीं है। ये हवेली ठाकुर विजय सिंह के नाम पर और क्या मेरा कोई अख्तियार नहीं है जी। बस हो गया। हाँ हो गया। अरे कमाल जी क्या लिख गया। हाँ लिख गया। वाह शाबाश कमाल है बहुत तुमने कमाल कर दिया। अरे कमाल जी अब नटवर भैया को किसी तरीके से उनको ले जा करके और पहाड़ के चोटी से फेंक दिया जाए ताकि वो मर जाए। दो क्या ले जाइए। भैया नटवर पिक्चर देखना चाहता है। पिक्चर देखने चाहता जी। अच्छा चलिए इसको निकाल दीजिए। इसको निकाल दें। हाँ वहाँ डाकू लगते हैं। ठीक है चलिए आइए। अरे कमाल जी ठाकुर जी काम तो हो गया। तुम तो बहुत कमाल करने वाले हो। सुनिए जी अरे क्या बताऊं इस घड़ी अरे दिल मेरा है और दिल में जाए। अरे कमाल जी जाओ डुग्गी वाले को बोल दो कि वो इस इलाके में डुग्गी दे दे कि जिस प्यारे संत को कर्जा ले जाना है वो ठाकुर विजय सिंह के यहाँ से आए कर्जा ले जाए। जो क्या जाइए डुग्गी वाले को बुलाइए। डुग्गी वाले आइए बाबूजी। आपको डुग्गी आता है। हाँ आता है बाबू आता है। आता है उठाइए आप आना। जिस प्यारे सज्जन को कर्जा लेना है वो ठाकुर विजय खिया से ले जाए। जिसको कर्जा लेना है वो ठाकुर विजय सिंह के यहाँ से कर्जा ले जाए। हाँ जिसको कर्जा लेना है वो ठाकुर विजय सिंह के यहाँ से ले जाए। डुग्गी हो गया। हाँ डुग्गी हो गया बाबूजी। डुग्गी हो गया। हाँ डुग्गी हो गया। ठीक है बहुत दूर तक गए थे आप। हाँ बहुत दूर बाबूजी बहुत दूर। ठीक है अरे कमाल ले जाओ इस डुग्गी वाले को खजाने से 500 रुपए दे दो। जो क्या ले जाइए। चलिए चलिए आइए। गुजारा
गोपाल सिंह जी सुनिए, कहिए हमारा तुम्हारा तो काम बन गया। काम तो बन गया ठाकुर जी, और इस घड़ी यहाँ पर कुछ मुजरा होना चाहिए नाचने वाली। हाँ तभी मौज आएगा। करिंदा, अरे करिंदा, कहिए ठाकुर साहब, जाओ कोई नाचने वाली लाइए। नाचने वाली ठाकुर साहब, और क्या इस दरबार में। ठीक, जल्दी जाओ जाइए। Thank you.
हूँ अपने कैसे? ओ, आसिम को शरम हूँ अपने आखिर रब से दुआ दी है। देखो आप आगे का काम बढ़ाया जाए क्योंकि अभी तक हमारा खजाना भरा हुआ है और कोई कर्जा वाला नहीं आता है, इसलिए चलो आगे काम बढ़ाएं। आएंगे ठाकुर जी, आएंगे। चलिए चलिए साहेबो, जय हिंद। ककुआ, कोई फसली चूस सुनावा ककुआ। ठीक है बेटा, हाँ सुनावा ककुआ। अरे सूखी गैले खेतिया, अरे धुराई गैला तिरई हो मरला तिरई, ओ मरला तिरई। अरे कैसे कोल मारी Thank you.
बाबूजी। क्या है बेटी? बाबूजी क्या है? माका हालत बहुत खराब है बाबूजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहिए बेटी। बेटी सुनिए। हाँ पिताजी, माका हालत बहुत खराब है बेटी, बहुत सी रेसाल है, और आप यहाँ खेतों में गाना गा रहे हैं। सुनिए बेटी। बाबूजी किस तरह डॉक्टर को बुलाऊं लली, किस तरह डॉक्टर को एक कौड़ी नहीं है नजरिया रहा, हो गए चार दिन आज खाए हुए पानी की पी के अब तक गुजारा किया, हो गए चार दिन हाल है इस तरह, और माँ का पिता हाल है बस लहरी आ रही, वरना मर जाएगी और ये स्वभावती साथ छोड़ेगी घर मेरी मैया। ठीक हो जाएगी, वरना मर जाएगी और ये स्वभावती साथ छोड़ेगी घर मेरी माता सही। बाबूजी कुछ अतर करी है नहीं तो माँ मेरी मर जाएगी। बाबूजी कुछ तो जतन करी है। मेरे भगवान मैं इस घड़ी क्या करूं, अब कोई रास्ता है सुझाता नहीं बेटी। हाँ जिंदगी भरू लेना तू देगी हमें, जब रहेगी यहाँ तेरी माता नहीं। इसलिए है पिता और नया बारी करो, इसलिए और नया बारी करो, आखिरी मौत की बस लहर आ रही, साथ छोड़ेगी घर मेरी मैया कहीं, रोक मर जाएगी बाबू सभा। बाबूजी जाओ कहीं से डॉक्टर को लेकर आओ और मेरी माँ की दवा कराओ। ठीक है बेटी। जा रहा हूँ विजय सिंह के घर में, अभी रुपया 50 उनसे अभी लाऊंगा। अच्छा बाबूजी। काम उसमें दवा का भी चल जाएगा, कुछ बचेगा तो बाजार जाऊंगा मैं। ठीक है बाबूजी। बेटी चलिए अपनी माँ को सेवा करिए, और मैं जा रहा हूँ विजय सिंह के लिए। हाँ जाइए कर्जा लेने के लिए। बाबूजी जल्दी जाइए। हाँ जाइए, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। हालत बहुत सी रेस उठे चला जा रहा है, जाइए बाबूजी। अच्छा जाइए बेटी, मैं जा रहा हूँ। ठीक है बाबूजी, नमस्ते। जा रहा हूँ इस घड़ी में कर्जा लाने के, कर्जा लाने के लिए
बचेगा उसमें तो बाजार को में।